हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट के पर्पस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो हमने मैक्सिमम पूरा कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, और पूरा चैप्टर को कवर ना करते हुए बेसिकली हम इस चैप्टर के उन टॉपिक्स को फोकस करेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर से, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। देखिए थोड़ा सा डायग्राम की तरफ अगर बढ़ें तो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है किडनी का, और ये बेसिकली तीन लेयर्स के फॉर्म में होता है। तो अभी आपको एक लेयर दिख रहा है, इसके बाहर एक लेयर और होती है, और इसके बाहर एक और लेयर होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो किडनी उसके तीन वॉल्स हैं, ये बेसिकली तीन वॉल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इन वॉल के प्लेसमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं ये आउटर वॉल है, ये बीच वाला मिडिल, और ये सबसे अंदर वाला इनर वॉल है या इनर लेयर कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। अभी जो आउटर वॉल है इसका नाम होता है रीनल फेसिया, मिडिल वॉल का नाम होता है एडिपोज कैप्सूल, और इनर लेयर का नाम होता है रीनल कैप्सूल। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन लेयर हैं या तीन वॉल हैं। आउटर वाले का नाम रीनल फेसिया है, मिडिल वॉल या लेयर का नाम एडिपोज कैप्सूल है, और इनर लेयर या इनर वॉल का नाम रीनल कैप्सूल है। अगर थोड़े से इसके हम फीचर्स के बारे में बात करें, इसके नेचर के बारे में बात करें, तो जो रीनल फेशिया है यानी कि जो आउटर वॉल है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। उसी तरह जो मिडिल है वो बना होता है, देखिए एडिपोज कैप्सूल है यानी कि ये एडिपोज टिश्यू से बना होगा, यानी कि ये कैसा है, ये एक फैट लेयर है, हम कह सकते हैं ये एक मस्कुलर लेयर है। तो इनर वाला मस्कुलर लेयर हो गया। उसी तरह इनर की बात करें तो इनर वाला भी आउटर के तरह ही कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। तो ये तीन वॉल के बारे में हमने जान लिया और उसका नेचर भी जान लिया कि जो आउटर रीनल फेशिया है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना है, मिडिल एडिपोज कैप्सूल का वो मस्कुलर लेयर है, और जो इनर रीनल कैप्सूल है ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ अभी हमने इसके लेयर्स की बात की, इसके वॉल्स की बात की। थोड़ा सा हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जो किडनी है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। तो किडनी के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेड्यूला, ठीक है। तो यहाँ अगर इस वॉल के अंदर हम देखें तो इसका मतलब है कि इस वॉल के अंदर एक आउटर पार्ट भी होगा एक इनर पार्ट भी होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किडनी के दो पार्ट हैं आउटर एंड इनर। तो ये तो सिर्फ वॉल्स हैं या लेयर हैं, इसके अंदर की तरफ किडनी के दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, एक आउटर और एक इनर पार्ट। अब लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस पूरे किडनी में, चलिए वॉल तो समझ में आ गया, इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसमें कौन सा वाला आउटर है कौन सा वाला इनर है। तो जो इस तरफ से अगर हम देखें तो ये बाहर की तरफ जो पार्ट पहले आएगा, इस तरफ से जो पहले पार्ट आएगा वो आउटर पार्ट होगा, और इस तरफ जो उस तरफ मतलब इधर से देख रहे हैं तो आउटर, तो आगे बढ़ेंगे तो इनर,
देखिए असल में इस तरफ या उस तरफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जानते हैं कि यहाँ से किडनी से एक ट्यूब निकलता है, जिस ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। ये किडनी का अंदर वाला पार्ट है जहाँ से यूरेटर निकलता है। तो बेसिकली किडनी का वो पार्ट जो यूरेटर की साइड है वो इनर पार्ट है, और जो इसके दूर है वो आउटर पार्ट है। आप ऐसे समझ लें कि किडनी का वो पार्ट जो यूरेटर की तरफ ओपन हो रहा है वो इनर पार्ट है, यानी कि वो मेडुला वाला पार्ट है, और जो बाहर वॉल्स की तरफ है वो आउटर पार्ट है, यानी कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। तो जो अपना ये इनर मेडुला वाला पार्ट है वो बेसिकली मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कुछ इस तरह से रहता है, अगर पिरामिड्स को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह के पिरामिड्स होते हैं, तो यहाँ तो मैंने कम बनाए हैं कि आपको केवल 5 दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पिरामिड्स होते हैं वो 8 से 12 होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनर मेडुला वाला पार्ट है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, जिस पिरामिड को हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और इन मेडुलरी पिरामिड का अगर आपसे नंबर पूछा जाए कि ये कितने होते हैं, तो यहाँ तो कम दिखाए गए हैं, लेकिन हमें याद रखना है इसका नंबर 8 से 12 होता है, ठीक है, 8 से 12 होते हैं ये। चलिए अब देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो मेडुलरी पिरामिड वाला पार्ट है वो इनर पार्ट है, यानी इस मेडुलरी पिरामिड के जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, अपना कॉर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये पूरा पोर्शन है ये क्या है, आउटर कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। तो इसको लिख भी लेते हैं कि देखिए ये वाला पार्ट है अपना कॉर्टेक्स पार्ट, और ये जो पिरामिड के फॉर्म वाला पार्ट जो है, जो पिरामिड के फॉर्म में है, वो आउटर, वो इनर पार्ट है जिसे हम मेडुला कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप लेकिन ये चीज देख रहे होंगे कि ये सारे पिरामिड एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास प्रेजेंट नहीं है, मतलब कहने का कि इन दो पिरामिड के बीच में आपको गैप दिख रही होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी दो स्ट्रक्चर के बीच में गैप होगा तो उन दो स्ट्रक्चर के बीच में कोई तीसरा स्ट्रक्चर फिल कर जाएगा उस गैप को भरने के लिए। उसी तरह जो दो मेडुला है इसके बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है, उस स्पेस को ये जो बाहर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो फिल कर लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कॉर्टेक्स वाला पोर्शन में कुछ एक्सटेंशंस निकलते होंगे, और ये एक्सटेंशंस दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाता है और मेडुला वाले पार्ट को कवर कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट, यानी कि आउटर वाला पार्ट, इनर ऑफ द पार्ट ऑफ द किडनी में, यानी कि मेडुला में एंटर करता है अपने एक्सटेंशंस के थ्रू, ठीक है। देखिए ये जो बाहर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो इन दो मेडुला के बीच में थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, यहाँ एक्सटेंड करेगा। है तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट ही, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया है, तो इस एक्सटेंशंस को हम कहते हैं कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन को कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, यानी कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला, क्योंकि हम जानते हैं मेडुलरी पिरामिड तो मेडुला वाला पार्ट है, और जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी है वो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है। तो हम कह सकते हैं आउटर पार्ट ऑफ द किडनी कॉर्टेक्स मिडल इनर पार्ट ऑफ द किडनी मेडुला में एंटर करता है अपने एक्सटेंशन के थ्रू, जिसे हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, ठीक है। अब इस मेडुला वाले पार्ट में, या कहें हम मेडुलरी पिरामिड से, कुछ डक्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है, कुछ डक्ट्स अराइज होते हैं। तो हर मेडुला से देखिए डक्ट यहाँ पे आपको अराइज करके दिखाते हैं, जैसे ये मेडुला है तो यहाँ देखिए कुछ डक्ट्स निकले, यहाँ कुछ डक्ट्स निकले, हर मेडुला से कुछ डक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। इसे क्या कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक।
माइनर कैलिक्स क्या है, वो ट्यूब है या वो डक्ट है जो कि मेडुलरी पिरामिड से निकला है, ठीक। अब इस ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब निकलेगा, इन ये जो माइनर कैलिक्स निकला है इसके बाहर एक ट्यूब और निकलेगा जिसे हम मेजर कैलिक्स कह देंगे, यानी कि माइनर कैलिक्स के बाहर क्या होगा, मेजर कैलिक्स, ठीक। यानी कि देखिए अगर हम इधर से जाएं तो देखिए क्या होगा, सबसे बाहर आउटर वॉल रीनल फेशिया, फिर बीच में मिडिल वॉल मस्कुलर वॉल यानी कि एडिपोज कैप्सूल, फिर सबसे अंदर वाला वॉल रीनल कैप्सूल, उसके बाद कॉर्टेक्स यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, फिर मेडुलरी पिरामिड यानी कि मेडुला इनर पार्ट ऑफ द किडनी, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स। अब देखिए हम जानते हैं मेजर कैलिक्स के बाद आपको यहाँ यूरेटर दिख रहा है, लेकिन मेजर कैलिक्स और यूरेटर के बीच में भी तो कुछ स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला स्पेस, मेजर कैलिक्स और यूरेटर के बीच में भी कुछ स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को कहा जाता है पेल्विस, ठीक है, पेल्विस कहा जाता है, यानी कि आउटर वॉल, फिर मिडिल वॉल, फिर इनर वॉल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन पेल्विस, और पेल्विस के बाद फिर यूरेटर। तो ये बाहर से अंदर की तरफ का पूरा सीक्वेंस है जो हमें याद रखना है। इस पेल्विस वाले पार्ट में यूरिन स्टोर होता है टेम्पररली, ठीक है। और आपने सुना होगा कभी कभी कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, तो बेसिकली जो पेल्विस वाला पार्ट है इसी में किडनी स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली किडनी स्टोन्स और कुछ नहीं होते, ये सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। तो पेल्विस वाले पार्ट में ही किडनी स्टोन्स बन जाते हैं जो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीलेट के सॉल्ट्स होते हैं जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो स्टोन की तरह है, ठीक है। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है जो हमने समझा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करिएगा, और जो भी मैंने आपको समझाने में यहाँ पर लिखा है उसको आप खुद भी एक नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक करिए।